आज के दौर में किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो रही है। इनमें से वातावरण में बदलाव, पानी की समस्या मुख्य है। ऐसी स्थिति में जो किसान पारंपरिक फसलें उगा के अपनी आजीविका चलाते आ रहा है, वो अभी मुश्किल में है। इन हालातों में हमारे महाराष्ट्र के राग गांव के किसान ने बैंगन जैसी एक नई फसल उगाई है। सध्या महाराष्ट्रात भरपूर आत्महत्या चालू आहेत। हा जो तुम्ही नवीन प्रयोग केला आहे वेगळं पीक लावण्याचा, हा त्यांना कसा फायदेशीर ठरेल, कसं वाटतं तुम्हाला? ठरू शकतो, कुठल्याही पिकाचे मार्गदर्शन चांगलं जर घेतलं अधिकाऱ्यांच्याकडून किंवा बीबीएनच्या मार्गदर्शन जर चांगलं घेतलं तर कुठलंही पीक करून ते स्वतःचं म्हणजे उत्पन्न वाढवून त्यातून आत्महत्या कमी होऊ शकतो। कम पाणी, कम खर्चा और कम टाइम, फिर भी ज्यादा नफा होता है बैंगन की फसल से। मानसिक समाधान आहे 100%, 100% मानसिक समाधान आहे। आणि त्यातून हे करत असून वेळ भरपूर आहे, मला मोकळा वेळ भरपूर आहे। यातून म्हणजे एक बी जाऊन आणि तोडा, एकही फवारणी केली नाही। लोकांचा हा समज आहे की वांग्याला कीड असते, माझा वांग्याला कीड नाही। बैंगन की खेती में कम खर्चा कर अच्छा नफा मिला, इससे उसके घर वाले भी बहुत खुश है। सगळीकडे गहू, ऊस, कांदे हेच पीक चालू आहे, प्रत्येक शेतकरी हेच करतात। तुम्ही हे पाऊल उचलले याच्या मागे कारण? याच्या मागे कारण काय म्हणजे मार्केटची पोझिशन पाहता आणि आपलं पीक म्हणजे सीझन लागिन सीझन हे वगैरे चालू होतं, त्या टायमिंगला तोडणीला येईल असं उद्दिष्ट आणि त्याच्यातून दोन पैसे आपल्याला चांगले मिळतील। इनकी खेती देखकर पड़ोस के लोग भी बैंगन की खेती करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है मेरे गांव के किसान की तरह सब किसान ने प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने खेती में नए नए प्रयोग करने चाहिए। इससे खेती भी जीवित रहेगी और किसान भी खुश रहेगा। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के राग गांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।